स्वामी जी, आप गुटखे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिगरेट वो सबसे बुरी लत है। क्या प्राणायाम के जरिए भी उस लत से छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि लोगों को अगर सिगरेट की आदत हो जाती है तो उसे छोड़ना उनके लिए, खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, एक तो जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो तो ऐसे अलग अलग तरह से जो हम दंड बैठक बताते वो भी कर लिया करें। तेज एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन पूरी मात्रा में होता है, इसलिए ऐसे ये जो हम एक्सरसाइज बताते ये पूरे करने चाहिए जवान बेटा बेटियों को, जो जितना कर पाए। अब सबसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब ऐसे ये शेर दंड लगाएं, ऐसे ऐसे, लेकिन जितना कर पाते उतना कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले ये। और जो इतना ना कर पाए उनके लिए ये बटरफ्लाई, ये बहुत अच्छा है, ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वे तो शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। और सिगरेट का विकल्प है, जिनको सिगरेट पीने की बहुत इच्छा होती है, एक तो पोस्त दाने की खीर खाएं, वो हम बताएंगे। दूसरा वो सौंफ और धनिया, सौंफ धनिया और अजवाइन, इनका पानी उबाल करके रख ले और उसको पी लिया करें, सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होगी। सिगरेट और दारू, ऐसी लत होती है उसकी तलब उठती है, उसके बारे में पूरा मैंने इंतजाम किया हुआ है। जिनका सिगरेट पी पी करके फेफड़ा खराब हो चुका है उनको दूध में, ये जो शिलाजीत है ना, दूध में शिलाजीत, ये पत्थर से निकालते हैं, दूध में शिलाजीत डाल करके दो बूंद और ऊपर से पावर विटा च्यवनप्राश साथ में खा लो, माने सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होगी। और साथ में ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिन की शुरुआत ही सिगरेट से होती है और सिगरेट पिए बिना वो सोच भी नहीं पाते हैं। कहते हैं हमारा दिमाग ही सिगरेट पी के चलता है। जो ऐसा सोचते हैं उनको मैंने एक तो ये बताया कि दूध में शिलाजीत और च्यवनप्राश लें, वो मेधावटी खा लिया करें। तो मेधावटी खाने से एक तो उनके दिमाग को संतुष्टि मिलेगी और ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाएगा। आम लोग आम भाषा में कहते हैं ना, लोक भाषा में बोले दिमाग की बत्ती जल गई है। तो मेधावटी खाने से, दूध में हल्दी शिलाजीत लेने से, च्यवनप्राश लेने से, और यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी, ये सुबह सुबह कर लेंगे।